अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? सुना जी, कोई मंदिर बनने जा रहा है जी इस्लामाबाद में। पहली दफा मंदिर बन रहा है, पहले वहाँ कभी मंदिर बना नहीं था। इस दफा जो है वो वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर मंदिर बना रही है। और ये कह के बना रही है जी अकलियतों को बराबर के हुकूक। तो देखो भाई, पहली बात तो ये कि मुस्लिम बहुत सारी ममालिक में मुस्लिम जो है वो अकलियत हैं, तो हर जगह मुस्लिम्स को वो हुकूक नहीं दिए जा रहे जो कि हमारे अकलियतों को दिए जा रहे हैं और दिए जाएं। जितना सुख पाकिस्तान में अकलियतों को है, दुनिया के किसी मुल्क में अकलियतें इतने सुख से नहीं रह रही। और फिर जो करतारपुर का बॉर्डर खोल के जो अरबों रुपए लगाकर, 14 अरब रुपए लगाकर जो करतारपुर का बॉर्डर खोल कर जो पूरी दुनिया को आपने पैगाम दिया है, मतलब वो यही पैगाम है कि अकलियतें हमारे यहाँ सुख से रह रही हैं। तो अब चूंकि उस वक्त कोई नहीं बोला, लिहाजा अब हुकूमत जो है वो अब एक कदम और आगे बढ़ा रही है। और आपने देखा कि अब हुकूमत जो है वह मंदिर बनाने जा रही है। तो देखिए भाई, बनाना ही है गवर्नमेंट को तो बनाए, लेकिन हम चूंकि हर चीज़ में टैक्स देते हैं तो ये हमारा पैसा है यकीनन। तो मैं हल्फन ये कहता हूँ कलमा पढ़ के कि हम इस मंदिर बनाने में ना मुलविस हैं, ना ही ये कहेंगे कि जी इस हमारे गवर्नमेंट अपने पैसे से मंदिर बनाए। लेकिन अगर बनाना ही है और तुल ही गए तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कुरान कहता है कि ताअवनुलबिर वत्तक्वा वला ताअवनुलइस्मे वउदवान, नेकी के कामों में ताउन करो और बुराई के कामों में ताउन ना करो। तो अगर गवर्नमेंट तुल ही गई और गवर्नमेंट की मर्जी है कि नहीं जनाब बनाना ही है, तो खान साहब बनी गाला में से एक छोटा सा टुकड़ा बेचें, अपने पैसों से बनाएं। हमारे पैसों से, चूंकि टैक्स जो है ये हमारे पैसों से टैक्स दिया जाता है और गवर्नमेंट के पास हमारा पैसा है, तो हमारे पैसे को इस गंदे काम में मुलविस ना किया जाए। जितना सुख अकलियतें यहाँ पर रहकर पा रही हैं, इतना सुख कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप तुले पड़े कि आपने मंदिर बनाना है, तो उसमें पाकिस्तानी आवाम का पैसा ना शामिल किया जाए, अपने पैसों से। उन फिर सभी MNS से, MPS से, जितने आपके हैं, इन सबको कहो हमने मंदिर बनाना है, तो फिर देखते हैं आपको कौन पैसा देता है। अगर ये पैसा दे देना तो फिर इन पैसों से आप बनाइए जो बनाना है आपने। हमारे पैसों से सिर्फ मस्जिदें बनेंगी, क्योंकि मन आमन बिल्लाह इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर। अल्लाह फरमाता है कि मस्जिदें वही लोग बनाते हैं जो ईमान वाले हैं। तो जो ईमान वाले हैं वो मस्जिदें बनाते हैं, मंदिर बनाना ईमान वालों का काम नहीं है। मैं नहीं कह रहा आप यहूदी हैं, ना ही मैं आपको कह रहा हूँ आप हिंदू हैं, हम कह रहे हैं आप ईमान वाले हैं। लेकिन अगर आप ईमान वाले हैं तो फिर मस्जिदें बनाइए, मंदिर जो बनाते हैं उन्हें बनाने दीजिए, आप मस्जिदें बनाइए। आदाब अर्ज़ है।